दोस्तों कल की 2898 के क्रेज को देखने के बाद डायरेक्टर एटली कुमार का कहना है कि अब प्रभास अन्ना को कोई भी रोक नहीं पाएगा और बॉक्स ऑफिस के ऊपर कल की 2898 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स की धजिया उड़ाने के पावर रखती है, क्योंकि कल की 2898 VFX और CGI से बनाई जाने वाली इंडिया की पहली बेस्ट इंडियन मूवी बनेगी, जो कि साइंस फिक्शन के मामले में इंडिया को सिनेमा लेवल पर एक स्टेज और आगे ले जाने का काम करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कल की 2898 में भगवान श्री राम और कृष्ण का अवतार भी प्रभास लेने वाले हैं। उसी के साथ इस मूवी के बजट को 600 करोड़ तक बढ़ाया गया है। 3 बहुत बड़े बड़े यूनिवर्स क्रिएट किए गए हैं। कल की अवतार भी आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ इसकी जो कास्ट है वो भी काफी बढ़िया है। एक तरफ है कमल हसन, दूसरी तरफ है अमिताभ बच्चन, तीसरी तरफ दीपिका और प्रभास, यानी कि बहुत ही बढ़िया कास्ट के साथ डायरेक्टर नाग अश्विन इस मूवी को बना रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि ये मूवी नहीं, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनेगा, जो कि आगे जाने वाले फ्यूचर में काफी डिटेल से आपको ले जाएगा और इस मूवी के डिफरेंट पार्ट्स भी में आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस मूवी की बजट काफी बढ़िया है और इस मूवी को बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर बनाया जा रहा है। यहां तक कि नॉर्थ अमेरिका और USA में इसकी हाई लेवल प्रमोशन चल रही है। बहुत ही बड़े और ग्रांड लेवल के ऊपर इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब सीधा है कि ये मूवी नहीं, ये भोचाल है जो कि प्रभास अन्ना लेकर आ रहे हैं। बाहुबली के बाद प्रभास ने कोई भी ऐसी दमदार मूवी नहीं बनाई है, लेकिन अब लगता है कि प्रभास अपने असली अवतार के अंदर यानी कि बाहुबली अवतार के अंदर लौट के आ रहे हैं, जो है वो बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ने वाली हैं। जो लोग कल की अवतार के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी प्रभास के नाम का जय जय का लाजमी लिखना और सच बताना आप कल की 2898 के कौन से अवतार का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर प्रभास अन्ना बाहुबली के कलेक्शन को बीट कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल मीम न्यूज को, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली प्रभास अन्ना की हर एक मूवी की अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो अगर पसंद है तो दबा के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।